हाई गाइस, वेलकम टू लेटेस्ट अपडेट वीडियो फॉर द सी टी थ्री ईयर्स एग्जामिनेशन। जितने लोग एक्सटेंशन सोच रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ, एक्सटेंशन वाला अपडेट आ गया सी टी के साइड से। आपके फॉर्म फिलिंग की डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है, ज़्यादा दिन से नहीं किए, एक हफ्ता, चार पाँच दिन, हर एग्ज़ाम वाइज वेरी कर रहा है, बट हाँ, अपडेट आ गया है, एक्सटेंड हो गया है आपका फॉर्म फिलिंग का जो डेट है। एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, तो अभी ये क्वेश्चन आना चालू हो गया, सर अभी फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है तो एग्ज़ाम की डेट भी एक्सटेंड होगी? नॉट नेसेसरी। और मुझे लगता है कि जो टाइम दिया उन्होंने परफेक्ट दिया हुआ है, बिकॉज सी यू टी के एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम भी हैं तो क्लैशेस होने के स्कोप है। सो आपका जो एग्ज़ाम की डेट दिया हुआ है उसी को आप फाइनल पकड़ के चलो। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो वो बोनस डेज होगा आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। वॉट इज़ द एक्सटेंशन दे हैव गिवन, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। तो स्क्रीन पर दिख रहा है इस सर्कुलर दे हैव रिलीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस करके। इंपॉर्टेंट नोटिस हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर द वेरियस कोर्सेज ऑफ सी यू टी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको ओपन करते हैं नाउ। लेट मी मैक्सिमाइज, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने एम एच लॉ सी टी थ्री ईयर्स 2024, जिसकी डेट थी 31st ऑफ, यार इसको ज़्यादा टाइम दे दिया, 31st जान का डेट था, ये हो गया 10th ऑफ फेब, तो ऑलमोस्ट 10 दिन का, 10 डेज का एक्सटेंशन मिला है इसको लेकर के। तो जितने लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ या तो गलती, देखो गलती अगर कर दी है तो एक तरीका है विंडो करेक्शन, जब भी आएगा डेट तब आप करेक्ट कर लेना अगर आपने कुछ डेटा फिल गलत किया हुआ है। या तो मेरा सजेशन है कि आपके पास विंडो ओपन है, अलग से ईमेल आईडी एंड नंबर लेके अलग से फॉर्म भर लो, ख़त्म करो, फ्रेश फॉर्म, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट 12th एंड 13th ऑफ मार्च को है। सो ये आपकी एग्ज़ाम की डेट है, इसको टाइमलाइन पकड़ो, इसके डेडलाइन पकड़ो और चालू कर दो पढ़ाई। अगर कर दी है तो फुल फ्लेज में मॉक लिखना चालू कर दो। आपके मेन्यूअर के पोर्टल पर 20 मॉक हैं, मॉक लिखो, रिवाइज करो, एनालिसिस करो। इस साल अगेन लाइक एवरी ईयर आई राइट सीटी, तो इस साल का भी सीटी में लिख रहा हूँ, भाई एनालिसिस तो मेरी आएगी। तो सबसे पहले ये अपडेट को आप शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड को जितने लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है, बिकॉज ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद फॉर्म फिलिंग का एक्सटेंशन आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, ओके। तो पहले ये काम करके खत्म करो। सो दोज हुआ टारगेटिंग फॉर GLC और ILS, जिसका टारगेट है GLC ILS, मैंने तो हमेशा बोला है कि आउट ऑफ 150 अपना टारगेट 130 प्लस लेके चलो। तो GLC के लिए वैसे 120 प्लस इज़ अ गुड स्कोर, यहाँ पे 110 प्लस 115 आ रहा है तो भी अच्छा स्कोर है, बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं और पेपर आपका ईजी आया हुआ है या मॉडरेट लेवल का आया हुआ है, तो फिर कट ऑफ ऊपर जाने के भी चांसेस है। OMS कैटेगरी है तो 130 के नीचे सोचना ही नहीं है आपको, बाकी 120-125 पे यू विल गेट द GLC कॉलेज एंड देन ILS इज देयर, ओके। बाई प्रिपरेशन को लेकर ऑलरेडी वी हैव लॉन्च द क्रैश कोर्स बैचेस लाइव क्लास, सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, ठीक है। बाकी सेक्शनल कोर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स, उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें तो एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल दीज आर द कम्प्लीट फीचर ऑफ द प्रिपरेशन। इस साल एक और चीज़ करेंगे अपन क्या करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले थोड़े शॉर्टकट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बाकी मैं स्टडी सेशन कंटिन्यू मेरा रहेगा, मतलब मैं कनेक्टेड रहूँगा एग्ज़ाम के बाद भी और पहले भी, मतलब मेरा गोल यही है कि आप सबको GLC ILS छोड़ के आऊँ मैं, दिस इज़ वॉट माई एजेंडा, दिस इज़ वॉट माई टारगेट इज़। तो बाकी मेहनत आपको करनी है, गाइड करने के लिए, रिसोर्सेज के लिए आई एम देयर विथ यू, ओके। सो पहले तो फॉर्म फिलिंग करके ख़त्म करो यार, जितने लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है वो ख़त्म करो, ऐसा नहीं हो कि डेट निकल जाए और फिर हम आराम से फॉर्म फिलिंग के लिए वेट करें और वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल हो, और जितना लेट फॉर्म फिल करोगे उतना दूर वो सेंटर आपको देंगे, तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। सो मेक श्योर कि आप फॉर्म फिलिंग आज अभी ये मेरा वीडियो देख रहे हो, पहले तो वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को। मैनुअल लॉ एंट्रेंस, अच्छा ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो डाल दूंगा, और इसको सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है, GK वाले 50-50 क्वेश्चन आना चालू हो गए, ऐसे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं जहाँ पे टीचिंग कॉन्टेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लाइव लेक्चर्स में तो है ही, प्लस अगर क्लासरूम वाले हो तो एवरीथिंग इज़ देयर, बट और भी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। सो विद रिगार्ड्स टू द बैचेस यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेश्चन, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।